हल्लेलुया 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 हबारी बाहुल रबरिक रबरिक्तम जयम। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, तेरे नाम की महिमा हो। जो बीमार पड़े हैं पिता, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को देखते हैं, तेरे नाम से चंगे होने पाए। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा हर एक समस्याओं का समाधान आज के दिन मिलने पाए। इनके हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। ओ ऋषि खराबा हूल रबा रिक खराबा रक्तम जयम। तेरे नाम की महिमा इनके जो प्रकट होने पाए पिता। इनके हर एक मंद रास्ते नाम से खुलने पाए। जो कमाते हैं पिता, इनकी कमाई पर तेरे नाम से आशीष को बरकत को हम छोड़ते हैं पिता। हम तेरे नाम से इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। जहां प्रार्थना चरी पिता, वहां अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। ग्लोरी 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 हबरी बाउल रबा रिक खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद। हालेलुया 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 हबरी बाउल रबा रिक खराबा रक्तम। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। थैंक यू जीजस, ते नाम की महिमा हो, ते नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड हल्लेलुया हल्लेलुया। थैंक यू जीजस, ते नाम की महिमा हो, ते नाम की महिमा हो। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। थैंक यू जीजस। आमीन 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 आमीन। प्रभु जी धन्यवाद पिता, इन सारे बातों के लिए रात को सुनाई दिया, एक नया दिन दिखाया और जीतों के तो जीत रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझ अर्पित करते हुए हम धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता। जितने भाई बहन देख रहे प्रार्थना को सुन रहे पिता, उन सबको हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं पिता। जिस घर प्रार्थना चल रही पिता, उस घर को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता, इस प्रार्थना को देखते ही तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता। जो समस्याएं आज के दिन के जीवन में कार्य कर रहे पिता, हर एक समस्याओं का समाधान तो देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीजस। सिखरावा हुलरावा रिखरावा रक्तम जयम। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। थैंक यू जीजस। आमीन 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 आमीन। प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता, इन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर। तूने जीवतों के में जीत रखा पिता। दुर्घटना बीमारी महामारियों से हम सबको बचाए रखा प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन सारे भाई बहनों के लिए पिता। कार्य मंगवाई का हमें सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं पिता, इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी। जहां जो काम के लिए जाते पिता, इन सब को तो सफलता दे खुदावन। हर एक बंद रास्ते ईशु नसरी के नाम में आज के दिन पिता खुलने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी, जहां जो जॉब खोजने जा रहे हैं पिता, उन सब को तो आशीष प्रदान कर, इनके आने जाने में सहायता प्रदान कर, दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रख पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, बोझ से दबे कहरा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वो चिंता करने वाली बातें ईशु नसरी के नाम में इनके जीवन से इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं पिता। जो इनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, तेरे नाम से इसी घड़ी खुलने पाए। ओर सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। थैंक यू जीजस। आमीन 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 आमीन। प्रभु जी हम सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो चिंताओं में फंसे हुए हैं पिता, और चिंता कली बातें ईशु नसरी के नाम में इनके जीवन से इनके घर से इसी घड़ी निकल ले पाए। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याएं तेरे नाम से निकल ले पाए पिता। हर एक बंधन तेरे नाम से इसी घड़ी खुल ले पाए। तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर बीमार पड़े हैं, सालों महीनों दिनों से दवाई खा के थक चुके हो, थके माए तेरे पास आए। और तेरे वचन कहता है, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन सारे भाई बहनों के लिए। जो बीमार पड़े हैं पिता, दवाई खा के थक चुके हैं, वो हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं। हाँ प्रभु जी, लेकिन तू इनको छुटका देने जा रहा है, बीमारियों से चंगाई देने जा रहा है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, तो उनके जीवन में चंगाई छुटकारा आशीष को भेजने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीजस। सिखराबा हुलराबा रक्तम जयम। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। थैंक यू जीजस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो बीमार पड़े हैं पिता, तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। मेरे पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने जीवन का उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उसके वचनों पर चलिए, उसके आज्ञाओं को पालन कीजिए और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके यीशु मसीह से आइए, प्रार्थना कीजिए। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो आपको पे लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको पे राज का वारिस बनाएगा। हाँ प्रभु, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन सारे भाई बहनों को पिता जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए पिता। तो ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, और जहाँ भी रह कार्य करते, नाम की महिमा उस जगह में उनके दर प्रकट होने पाए पिता। जो पिता परमेश्वर बीमार पड़े हो, तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, हर एक समस्याएँ तेरे नाम से इनके जीवन से निकलने पाए। जो भी बंद रास्ते हैं तेरे नाम से खुलने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी, हर जॉब की समस्याएँ तेरे नाम से दूर हो जाए। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते, जहाँ भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो दारू की आत्माओं में, निश्चय की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में, अधिकारी की आत्माओं में फंसे हुए हैं, हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते। ये प्रार्थना देखते ही सुनते हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। हर दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा की आत्मा, ईश्वर के नाम में प्रार्थना को सुनते ही देखते ही पिता उनके जीवन से निकल के चली जाए। जिस घर में प्रार्थना चल रही पिता, उस घर में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। वचन की शांति, वचन का प्रकाश, वो ज्याला वचन का सामर्थ्य नाम से आ जाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद ईश्व, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। मेरे बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रभु के सम्मुख में आइए। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, और लहू हमारे खातिर बहाया गया, और जो भाई बहन उस लहू का विश्वास करता है, अंत जीवन उसका है। मेरे पियो, हम अपने पापों की क्षमा उससे मांगे। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, अपने मुँह से अंगीकार करें उसे, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ। विश्वास कीजिए, दुनिया में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करेगा। ओ थैंक यू जीसस, सिख खराबा हाल खराबा रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये प्रार्थना जिस घर में चल रहे पिता, उस जग में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रभु जी, वो दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, उनके जीवन तू आशीष भेजने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा उस जगह में अद्भुत कार्य चमत्कार होने जा रही है, हम धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, और जितना बीज बोते हैं पिता, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार खुदावन उसके सौ गुण तो आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इनके घर में जो समस्याएं हैं पिता, वो ईश्वर से के नाम में इसी घड़ी चंगे होने पाए पिता, वो समस्याएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता, हर एक बंदरास्ते नाम से खुलने पाए। जो बीमार पड़े घरों में, तो नाम से चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं, और जितना बीज बोते हैं पिता, सौ गुना कटनी काटने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। दिभक कार्य मगवाई का में सहायता कर पिता, जहाँ कार्य करने जाते हैं इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता। यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कर, जहाँ भी जाते हैं अपने प्रभु की आड़ में छुपाए रख, कोई हमारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए पिता। जो शोक में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी प्रार्थना सोखते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन से हर एक शोक की बातें, हर एक दुख की बातें दूर हो जाए, और उनके अंदर एक आनंद की भरपूरी आ जाए ईश्वर के नाम में। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर ना पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दे ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन, हालेलुया। मैं पियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें हमारे जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करेगा। बिना प्रार्थना हम प्रभु के करीब नहीं आ सकते हैं। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो आपको प्रभु के उपस्थिति में महसूस कराती है, उससे आप बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा का दान मांगे, और बाइबल कहती है जो मांगोगे वो तुम पाओगे। जब बुरे होकर हम बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तु देना चाहते हैं, तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा क्यों ना दें।
हम प्रभु से मांगने वाले हो जाएं, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाला हो जाएगा। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट्स लिखे ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।